जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी कुछ दिन पहले ही जिम जाना स्टार्ट किया है तो आप वो मिस्टेक ना करें जो अधिकतर लोग करते हैं। वो मिस्टेक क्या है मैं आपको जिम से आके बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम करेंगे लेग का वर्कआउट, तो चलिए फिर जिम के लिए रेडी होते हैं, मिलते हैं फिर जिम में। हाँ जी, विंगना स्टार्टिंग में जो मिस्टेक करते हैं वो आप लोग बिल्कुल भी ना करिए। पहली मिस्टेक है पुअर प्रोग्रामिंग फॉलो करते हैं, मतलब कोई भी वर्कआउट रूटीन फॉलो नहीं करते। उनकी मर्जी जो मन आता है वो प्रोग्राम फॉलो कर लेते हैं, मतलब कोई भी आज ये एक्सरसाइज कर ली, कल वो कर ली, या जो उनको मिलता है वो एक्सरसाइज वो कर लेते हैं। तो आपको एक प्रोग्रामिंग सेट करनी है, अपना एक वर्कआउट फॉलो करना है जो 2 से 3 मंथ आपको उसी रूटीन में करना है, उसके बाद आपको चेंज करना है। सेकेंड होती है कि वे प्री वर्कआउट मील स्किप करते हैं। अपना प्री वर्कआउट मील आप कभी भी स्किप ना करें, उससे आपको अच्छी एनर्जी और स्टेमिना मिलेगा जिम में। थर्ड मिस्टेक होती है कि वे वेट ट्रेनिंग करने से पहले ओवर कार्डियो कर लेते हैं, मतलब जिम में गए और कार्डियो करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेडमिल कर ली, साइकिलिंग कर ली, वो ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस में बहुत दिक्कत आती है, मतलब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते वेट ट्रेनिंग। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जाके नॉर्मल वार्म अप करना है और अपनी थोड़ी बहुत 5 मिनट या 2 मिनट कार्डियो में, मतलब आप ट्रेडमिल या साइकिलिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए। फोर्थ गलती क्या करते हैं कि वार्म अप कभी भी नहीं करते, मतलब आके आए और अपनी ट्रेनिंग करनी या वेट ट्रेनिंग करनी या जो भी एक्सरसाइज करनी है वो करनी स्टार्ट कर दी। तो आपको पहले आके प्रॉपर 5 से 10 मिनट अपने शरीर को वार्म अप करना है। वार्म अप के जो फायदे हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। वार्म अप करने से आपकी बॉडी थोड़ी हीट हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में हेल्प मिलती है। पांचवी मिस्टेक वो लोग क्या करते हैं कि अपनी ट्रेनिंग के लिए या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो पुअर पोस्चर में करते हैं, मतलब आए और वेट ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट कर दी, एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी, उसका पोस्चर नहीं ठीक करते और उल्टा सीधा वेट उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अपना पहले एक्सरसाइज के परफॉर्मेंस ध्यान देखिए, पोस्चर ठीक करिए, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करिए, चाहे आपका लाइट ही वेट से क्यों ना हो। ये कुछ मिस्टेक हैं जो आप बिल्कुल भी ना करें तो आपकी वेट ट्रेनिंग, आपकी वर्कआउट अच्छे से होगा। आज हमने लेग का वर्कआउट किया। लेग के वर्कआउट की अगर फुल वीडियो आपको देखनी है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो आपको आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वर्कआउट को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।